Hello everyone, welcome to my today's video. It is 18th video in this series of personal finance. So today in this video we will discuss a very important rule, rule of 70. Rule of 70 आपको बताता है कि आपका पैसा inflation के कारण कब कम हो जाता है. पैसा itself कम नहीं होता. एक लाख रुपए आज आपके पास है तो कुछ समय बाद इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. रूल ऑफ 70 वहाँ काम आता. इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, वीडियो 17 में मैंने बात की थी रूल ऑफ 72, कैसे कितने समय में पैसा डबल होगा. तो अभी देखिए रूल ऑफ 70 अप्लाई कीजिए. मान लीजिए इन्फ्लेशन का रेट अभी 7% है तो डिवाइड 70 बाई दी इन्फ्लेशन. 7 से डिवाइड किया 10 आया, तो 10 साल में आपके पैसे की परचेजिंग पावर हाफ रह जाएगी. एक लाख का जो आज सामान आता है 10 साल के बाद वो 50,000 उसकी वैल्यू हो जाएगी. 50,000 का सामान उस समय मिलेगा. तो अगर आपने FD करवाई है बैंक में या कहीं इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए उस पर रिटर्न भी 7% है, तो आपका 72 वाले फार्मूला के हिसाब तकरीबन 10 साल में पैसा डबल होगा. 1 लाख के 2 लाख रुपए बन जाएंगे. पर 2 लाख की जो वैल्यू होगी इन्फ्लेशन के कारण, अगर 7% इन्फ्लेशन रेट है तो 2 लाख की परचेजिंग पावर आज के 1 लाख के बराबर होगी. पर उसमें एक और चीज़ समझने वाली है, FD पे जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स लगता है. आपने 1 लाख की FD कराई, आपको 1 लाख रुपए 10 साल में ब्याज मिला मान लीजिए, तो उसमें आपने 30% मीन्स 30,000 रुपये टैक्स दे दिया, तो आपको पैसा 2 लाख नहीं 1,70,000 मिलेगा. और 1,70,000 की परचेजिंग पावर आज के 85,000 के बराबर होगी. तो अगर FD का रेट इन्फ्लेशन से रेट के बराबर है या उससे कम है, देन यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी. If the rate of interest on FD or on mutual fund जो return मिल रहा है वो inflation से ज़्यादा है, तभी आपको एक फ़ायदा होगा, तभी आपका पैसा increase होगा. तो ध्यान रखिए कि आपकी investment हमेशा ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे return inflation से 2 या 3% कम से कम ज़्यादा हो. Hope you like this video. Please share with your friends. Also subscribe to our channel. If you have any question or a different view, please write in the comment. Thank you for watching.